हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब का स्टडी करेंगे। इसमें रूल यह है कि एडवर्ब टू का प्रयोग प्रायः एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पूर्व तथा एनम का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि एडवर्ब टू का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पूर्व। रूल हमने बताया, एडवर्ब टू का प्रयोग, देखिए एडवर्ब टू का प्रयोग प्रायः एडजेक्टिव, प्रायः एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पूर्व, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पूर्व पूर्व होता है, जबकि एनम का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद होता है। यह रूल है, ध्यान रखिएगा। एडवर्ब टू का प्रयोग प्रायः एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पूर्व होता है, जबकि एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद होता है। तो यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। द वेदर इज टू कोल्ड, द वेदर इज टू कोल्ड, क्लियर। देखिए यहाँ पर टू लगा हुआ है। द वेदर इज टू कोल्ड या ही इज टू लेजी टू वर्क हार्ड, ही इज टू लेजी टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज स्ट्रांग एनफ, ही इज स्ट्रांग एनफ स्ट्रांग एनफ टू ब्रेक एट। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे यू आर काइंड एनफ टू हेल्प मी, काइंड एनफ टू हेल्प मी। तो इस तरह से जो है आपने एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसे समझ लिया, देख लिया, क्लियर। तो एडवर्ब टू का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पूर्व होता है, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पूर्व होता है, जबकि एनव का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद होता है। ही इज स्ट्रांग एनव, ही इज काइंड एनव, क्लियर। तो यह समझ में आपके आ गया। चलिए मैं नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे सेल्डम, रेयरली, सम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर को एग्जिलरी वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब के पूर्व लिखा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने बताया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी,
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंस, देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंस जैसे सेल्डम, फ्रीक्वेंस जैसे सेल्डम, रेयरली, समटाइम्स। इसके साथ साथ कुछ और भी हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर, को, एक्जली वर्ब के बाद, तथा देखिए इन्हें एक्जली वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब के पूर्व, वर्ब के पूर्व रखा जाता है। क्लियर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंस जैसे सेल्डम, रेयरली, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर, को एक्जिलरी वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब के पूर्व रखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे जैसे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, देखिए एक्जिलरी वर्ब के बाद यदि रहता है तो, तथा मेन वर्ब के पहले इसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स लॉफ्ड लाउडली, जैसे द स्टूडेंट्स लॉफ्ड, द स्टूडेंट्स लॉफ लाउडली, तो इस तरह से आपने देखा। चलिए आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सी नेवर चलिए तो इस तरह से आपने देखा आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। क्लियर। ऑलवेज का प्रयोग किया गया है, वर्ब के पहले प्रयोग हुआ है। ही इज समटाइम्स वेरी सेंटिमेंटल, यह भी देखिए वर्ब के बाद प्रयोग किया गया है। जैसे आपने क्या रूल लिखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब के पहले। नेक्स्ट वी ऑफन मिस आवर क्लॉसेस, ऑफन मिस, सी नेवर, सी नेवर टेल्स अ लाई, सी नेवर नेवर टेल्स अ लाई। तो इस तरह से आपने इन एग्जांपल्स को देख लिया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट टूल बताता हूँ। नेक्स्ट टूल देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको जो है नेक्स्ट रूल बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है कि जब एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करे तो इसे क्रिया के पश्चात लगाते हैं। जब एडवर्ब जब एडवर्ब
किसी, देखिए जब एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को, इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करे, तो जब एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करे तो इसे क्रिया के पश्चात लगाते हैं, तो इसे क्रिया के पश्चात लगाते हैं। क्लियर? तो क्लियर है, जब एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि यह बाद में प्रयोग होगा, यानी उसके अंत में प्रयोग होगा। जैसे शी वॉक्ड इजिली, देखिए शी वॉक्ड इजिली, शी वॉक्ड इजिली, यह जो वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसका ऑब्जेक्ट न दिया गया हो। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे वी केम लेट, तो देखिए केम क्रिया है और इसके बाद एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट नाइट वी स्लेप्ट साउंडली, वी स्लेप्ट साउंडली। तो इस तरह से आपने रूल देख लिया कि जब एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वह लास्ट में प्रयोग होगा, यह ध्यान रखना है। यह जो वर्ब है यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए आपको मैं नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि जब एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करे तो उसे वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। फिर सुन लीजिए, जब एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करे तो उसे वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। देखिए जब वर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करे तो जब वर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करे तो जब वर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करे तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के पश्चात लगाते हैं, तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के पश्चात लगता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे सी एक्सप्लेन्ड द मीनिंग क्लियरली, सी एक्सप्लेन द मीनिंग क्लियरली। देखिए क्लियरली यह ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट दिया गया है। जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा उस कंडीशन में जो एडवर्ब होगा वह ऑब्जेक्ट के पश्चात लिखा जाएगा। या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिसन टू हिम अटेंटिवली, देखिए यह आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, वी रोट अ लेटर, देखिए वी रोट अ लेटर फास्टली,
तो इस तरह से जो है आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब के स्थिति में जो एडवर्ब होगा वह लास्ट में प्रयोग होगा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल जान लीजिए, नेक्स्ट रूल क्या है इसे जान लीजिए आप। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रूल मैं बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि वनली, मियरली, नॉट आदि एडवर्ब को उन शब्दों के पूर्व लगाते हैं जिनको वे मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा उन स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जिनके अर्थ को वे पूरी तरह से बदलते हैं। फिर समझिए, मैंने यह बताया आपको कि वनली, मियरली, नॉट आदि एडवर्ब को उन शब्दों के पूर्व लगाते हैं जिनको वे मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा यदि हम इन्हें अन्य स्थानों पर प्रयोग करते हैं तो इनकी मीनिंग बदल जाती है। जैसे देखिए, हमने बताया कि वनली, मियरली, नॉट, वनली, मियरली, नॉट आदि जिसके लिए आते हैं उसी के पास प्रयोग करते हैं, अन्य जगह प्रयोग करने पर मीनिंग बदल जाती है। ठीक है, तो वनली, मियरली, नॉट आदि जिसके लिए ये आते हैं, ठीक है, उसी के पास प्रयोग इनका हम करते हैं, अन्य जगह पर यदि प्रयोग करते हैं तो इसकी मीनिंग बदल जाती है, मीनिंग बदल जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। वनली सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड मी, वनली सी हेल्प्ड मी मतलब क्या हुआ? केवल उसने मेरी सहायता की, केवल उसने मेरी सहायता की। देखिए, केवल उसने मेरी सहायता की, किसी अन्य ने नहीं, किसी अन्य ने नहीं। चलिए हम दूसरे तरीके से देखते हैं। सी वनली हेल्प्ड मी, सी वनली हेल्प्ड मी मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उसने केवल मेरी मदद की है, उसने केवल मेरी मदद की। देखिए, उसने केवल मेरी मदद की, उसने केवल मेरी मदद की और किसी किसी और की नहीं की, किसी और की नहीं की। देखिए कितना अंतर आ रहा है। इंग्लिश एक वर्ड को इधर उधर कर देने से मीनिंग कितनी बदल जाती है। ओनली सी हेल्प मी, केवल उसने मेरी सहायता की,
मतलब केवल उसने किया, किसी अन्य ने नहीं किया। सी ओनली हेल्प्ड मी, सी ओनली हेल्प्ड मी, उसने केवल मेरी मदद की, उसने केवल मेरी मदद की, किसी और की नहीं की। तो देखिए मीनिंग में कितना डिफरेंट आ जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये शब्द जिनके लिए प्रयोग होते हैं उन्हीं के पास प्रयोग होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए इट्स के पश्चात बट का प्रयोग होता है। इट्स के पश्चात बट का प्रयोग होता है। देखिए इट्स के पश्चात बट का प्रयोग होता है, जैसे सी टोल्ड मी ऑल इल्स बट दैट, सी टोल्ड मी ऑल इल्स बट दैट, सी टोल्ड मी ऑल इल्स बट दैट। चलिए नेक्स्ट चीज आपने बताता हूं, जैसे इट इज नथिंग इल्स बट ईगो, बट ईगो, बस। तो यह समझ में आ गया आपके कि इल्स के पश्चात हम बट का प्रयोग करते हैं, इस रूल को भी ध्यान रखना है। चलिए आपको नेक्स्ट रूल बताता हूं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि एडजेक्टिव एवं एडवर्ब को पॉजिटिव डिग्री तथा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होने पर उनके साथ वेरी का प्रयोग होता है। ठीक है, हमने यह बताया कि एडजेक्टिव एवं एडवर्ब को पॉजिटिव डिग्री तथा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव की तथा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होने पर उनके साथ वेरी लगाते हैं। क्लियर सी बात है, सामान्य सी बात है। नॉर्मल तरीके से कहिए कि जब एडजेक्टिव और एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री में हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता हो तो उस कंडीशन में हम उसके पूर्व वेरी का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्ट भी ले दीजिए, एडवर्ब तथा एडजेक्टिव, एडवर्ब तथा एडजेक्टिव देखिए बताया कि एडवर्ब तथा एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होने पर वेरी का प्रयोग करते हैं। ठीक, वेरी का प्रयोग करते हैं, यह रूल हो गया। अगला रूल यह है कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करे तो भी वेरी का प्रयोग करते हैं। पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो तो भी वेरी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है, दो चार बात दिमाग में लाएंगे आराम समझ में आ जाएगा। आपने यही तो लिखा है कि जब एडजेक्टिव और एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री में होंगे तो वेरी लगाएंगे, या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होगा तो हम वेरी लगाएंगे। जैसे माय डॉटर इज वेरी स्ट्रांग,
वेरी स्ट्रॉन्ग. क्लियर, वेरी लग गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे द मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. द मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए जो इंटरेस्टिंग है यह पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया गया है और एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए मैंने इसके पहले वेरी लगा दिया. या एडवर्ब या एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में देखिए है, इसके पहले मैंने वेरी लगा दिया. तो इस तरह से जो है आपने इस रूल को देखा. चलिए मैं नेक्स्ट रूल बताता हूँ. यह समझ में आ गया होगा आपको लोग ने. आप लोग जरूर सही तरीके से समझने का प्रयास करिए, बहुत ही आवश्यक है. हैं, कुछ वर्ड्स को आप इधर उधर फिटिंग के आधार पर प्रयोग कर देते हैं जो गलत है. ऐसे देख लीजिए, सेंस नहीं हुआ आएगा जो रियल में आप चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि किसी नाउन की ओर निश्चित संकेत करने के लिए भी वेरी का प्रयोग करते हैं. फिर सुनिए, हमने बताया किसी नाउन की ओर निश्चित संकेत करने के लिए भी वेरी का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं. किसी नाउन की ओर निश्चित संकेत करने के लिए भी वेरी का प्रयोग होता है, यानी किसी नाउन के पहले भी वेरी का प्रयोग होता है. तो ध्यान रखिए, ये सब सारे रूल्स हैं, नियम हैं, जिसे आपको ध्यान रखना है. जैसे देखिए, ही इज हरीज वेरी बेस्ट फ्रेंड. He is Hari's very best friend. या next example देखिए, the very boy did this mischief. The very boy did this mischief. तो इस तरह से देखा आपने रूल क्या है कि किसी नाउन की ओर निश्चित संकेत करने के लिए भी वेरी का प्रयोग होता है, यानी किसी नाउन के तरफ निश्चित संकेत किया जाए तो उस कंडीशन में भी उस नाउन के पहले वेरी का प्रयोग होता है. ऐसे सेंटेंसेस कम आते हैं, ऐसे प्रयोग कम आते हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना है. जैसे द वेरी गर्ल प्लक्ड द फ्लावर. द वेरी गर्ल प्लक्ड द फ्लावर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल उसी लड़की ने फूल तोड़ा. बिल्कुल
उसी लड़की ने फूल तोड़ा। देखिए, बिल्कुल उसी लड़की ने फूल तोड़ा। ऐसे ही द वेरी बॉय डिड दिस मिसचीफ, मतलब क्या सेंस है कि बिल्कुल उसी लड़के ने यह शैतानी की। बिल्कुल बिल्कुल उसी लड़के ने यह शैतानी की। तो देखा आपने कि नाउन के पहले भी वेरी का प्रयोग होता है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट, टू का प्रयोग वेरी के अर्थ में नहीं करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, टू का प्रयोग वेरी के अर्थ में नहीं करना चाहिए। क्लियर, टू जो है वह निगेटिव वर्ड है और उसका सेंस नकारात्मक होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे दिस फ्लावर इज टू ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज टू ब्यूटीफुल। देखिए दिस फ्लावर इज टू ब्यूटीफुल, मतलब यह फूल बहुत सुंदर है। लेकिन यदि निगेटिव सेंस दे रहा है तो एक्चुअली यह बनेगा करेक्ट, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। यह सही आपका। तो इसीलिए रूल है कि टू का प्रयोग वेरी के सेंस में नहीं होता। देखिए जब पॉजिटिव सेंस हो उस कंडीशन में टू का प्रयोग नहीं होता। चलिए मैं नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल यह है कि एड और क्वाइट का प्रयोग वेरी के अर्थ में नहीं करते। एड और क्वाइट का प्रयोग वेरी के अर्थ में नहीं होता। देखिए क्वाइट का प्रयोग जो है वेरी के अर्थ में नहीं होता। जैसे माई सन इज क्वाइट स्ट्रांग, माई सन इज क्वाइट स्ट्रांग, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा इसका, My son is very strong, इस तरह से बन गया। एड और क्वाइट का प्रयोग वेरी के अर्थ में नहीं होता। जैसे My son is quite strong, क्वाइट स्ट्रांग नहीं वेरी स्ट्रांग, My son is very strong। चलिए नेक्स्ट मैं रूल आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है, कभी कभी मज का प्रयोग कंपरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होता है। देखिए कभी कभी मच का प्रयोग कंपरेटिव डिग्री के
एडजेक्टिव के पहले होता है। देखिए कभी कभी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होता है। क्लियर। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मोहन इज मच बेटर देन राम। देखिए मोहन इज मच बेटर देन राम या सी इज मच मोर इंटेलिजेंट देन सीता। सी इज मच मोर इंटेलिजेंट देन सीता। देखिए तो इस तरह से हमने देखा कि कभी कभी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होता है। क्लियर। जैसे देखिए मोहन इज मच बेटर देन राम। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है फिर भी इसके पहले मच का प्रयोग किया गया है। सी इज मच मोर इंटेलिजेंट देन सीता। देखिए मोर कॉम्पिटेटिव डिग्री में है इसके पहले मच का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपके एडवर्ब के रोल रहे। ओके।